21 दिन के बच्चे के दिल में 3 छेद, बहुत तकलीफ में है माता पिता। बच्चे को हो रही है सांस लेने में तकलीफ, लाखों का खर्चा नहीं वहन कर सकते परिजन, सरकार से मांगी मदद। इस दुनिया में आए हुए 21 दिन हुए हैं, लेकिन ये नवजात बहुत तकलीफ में है। बच्चा ही नहीं, इसके माता पिता भी बहुत परेशान हैं। 21 दिनों में देश के बड़े बड़े अस्पताल में चक्कर लगा चुके हैं। अपने लगते जिगर की पीड़ा देखी नहीं जाती, लेकिन कहीं पर भी राहत नहीं मिल रही है। ये गरीब माता पिता बच्चे का इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। इस 21 दिन के बच्चे के दिल में 3 छेद हैं, इससे ये बच्चा बहुत तकलीफ में है। बच्चे की तकलीफ देखकर इनके भी आंसू नहीं सूख रहे हैं। मामला झुंझुनू जिले के किशोरपुरा पंचायत के क्यामसर गांव का है। माता पिता सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। झुंझुनू के किशोरपुरा पंचायत के क्यामसर गांव निवासी बंटी सेन को पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में खुशी की लहर थी, खूब लाड चाव किए जा रहे थे। अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिल में छेद है। परिजनों के होश उठ गए, बच्चे का ऑपरेशन करवाना होगा, इस पर लाखों रुपए खर्च होंगे। इसके बाद परिजन जयपुर, दिल्ली, हरियाणा के कई अस्पताल लेकर जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा बहुत अधिक है, परिजन खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। बंटी की पत्नी मोनिका ने 25 अगस्त को झुंझुनू के निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। दूसरे दिन नवजात को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया गया, जांच में सामने आया कि उसके दिल में छेद है। बच्चे को परिजन जयपुर लेकर गए, वहाँ से दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में भी लाखों रुपए का खर्चा बताया गया। बच्चे के पिता सैलून चलाते हैं, गांव में ही सैलून की दुकान है। उसकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो इतना बड़ा खर्चा उठा सके। अब उसने सरकार से मदद मांगी है ताकि बच्चे का इलाज हो सके। मैं आवाज सिंह जाजड़िया, गांव के आमसर से। ये बच्चा जो है ये बंटी नाई का बच्चा है, और ये जन्म के तुरंत बाद जब इसको दिक्कत हुई तो बंटी ने कई हॉस्पिटल में इनको दिखाया और कई हॉस्पिटलों से संपर्क किया। जांच वगैरह करवाने पर पता चला कि इसको गंभीर बीमारी है। हार्ट में इसमें 3 छेद बताए हैं डॉक्टरों ने, और इसका ऑपरेशन कराने की सलाह दी है। तो एम्स में या बड़े हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन होगा, और डॉक्टरों के मुताबिक इसका जो खर्चा है वो 30-40 लाख रुपये बताया है। बंटी जो है ये रोज़ 200-300 रुपये रोज़ कमाता है। इसकी माली हालत इतनी नहीं है कि ये इस बच्चे का इलाज करवा सके। रही सरकार की जो बात है, चिरंजीव योजना में भी ये पात्र नहीं है, इसलिए उस योजना का भी लाभ इसको नहीं मिल सकता। हमने कई CMHO और यहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल हैं उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई इस बच्चे के इलाज के लिए सरकार अपनी ओर से इसको सहायता दे। और बहुत सारे जो ट्रस्ट हैं, नारायणा ट्रस्ट जयपुर से भी संपर्क किया गया, तो उन्होंने भी कहा कि भाई आपको जांच वगैरह का खर्चा देना पड़ेगा। अब वो जांच वगैरह का खर्चा देना भी इसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये तो किराया भाड़ा जो है कई हॉस्पिटलों में गया है, उसी में ये तो कर्जदार हो गया, तो ये बच्चे का इलाज कैसे करवा सकता है। इसलिए हम सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो इस बच्चे के इलाज में मदद करे, ताकि इस बच्चे का जीवन बच सके और आगे ये बड़ा हो गए एक देश का अच्छा नागरिक बन सके। बंटी सेन, गांव के आमसर, वार्ड नंबर 6। मेरी पत्नी मोनिका को लड़का हुआ था निजी हॉस्पिटल में 25 अगस्त को, और 26 अगस्त को फिर बच्चे को सांस में तकलीफ हुई। सांस में तकलीफ हुई तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने बताया कि दूसरे हॉस्पिटल लेके जाए। वे बच्चों के हॉस्पिटल लेके गया, इसको बच्चों के हॉस्पिटल ले गया, तो उसने जाँच करवाई। जाँच करवाने के बाद पता चला कि बच्चे के दिल में 3 छेद हैं, और एक नस है वो सिकड़ी हुई है, और बाकी जो नसें हैं वो आपस में उलझी हुई हैं। जैसे कि गंदे खून की है वो सही खून में जुड़ी है, और सही खून की है वो गंदे खून में जुड़ी हुई है। तो उन्होंने बताया कि जयपुर लेके जाओ। फिर मैं इसको जेके लोन ले गया, जयपुर जेके लोन लेके गया, तो उन्होंने जांच वगैरह देख कर बताया कि ये तो क्रिटिकल ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है, हमारे पास इसकी कोई सुविधा नहीं है, तो आप ऐसा करो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाओ वगैरह। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टरों से संपर्क किया, तो डॉक्टरों ने बताया मेरे को कि इसका लाखों में खर्चा है। ठीक है, लाखों में खर्चा है, तो फिर मैं वो मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं लाखों में खर्चा उठा के और इसका इलाज करवा सकूँ। फिर किसी ने बताया मेरे को कि पलवल लेके जा,
मैं वहाँ से इसको हरियाणा ले गया पलवल। हरियाणा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हार्ट का, तो उन्होंने फिर जांच वगैरह करी और जांच वगैरह करके बताया कि बच्चे का बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, या तो आप दिल्ली एम्स लेके जाओ या फिर कोई हमारे से बड़ा हॉस्पिटल है प्राइवेट उसमें जाओ। मैंने पूछा कि कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने बताया कि लाखों में खर्चा होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि दिल्ली में गया नहीं, क्योंकि लाखों में खर्चा बता दिया, मैं फिर इसको दिल्ली नहीं लेकर गया और मैं अपने घर आ गया। तो मेरी प्रशासन से अपील है कि मेरे बच्चे का इलाज करवाएं, जल्द से जल्द करवाएं। मुझे 25 तारीख को तो हुआ था और 26 तारीख को पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के सांस में दिक्कत थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि दूसरे हॉस्पिटल में जाओ आप, दूसरे हॉस्पिटल लेके गए थे। तो उसने भी यही बोला कि बच्चे दिल में कि बच्चे दिल में 3 छेद है। और उन्होंने जयपुर भेज दिया। फिर जयपुर वाले ने भी यही बताया कि हरियाणा लेके गए थे। फिर उसने बोला कि सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ आप, फिर लाखों में खर्चा बताया, फिर लाखों में खर्चा बताया उसने। तो फिर ये इन्होंने ऐसे बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर मैंने घर पे आके बैठ गई।